एक्सरसाइज 1.2 11 क्लास CBSE NCERT एक्सरसाइज 1.2। तो इसका ही पहले इंट्रो पार्ट समझेंगे। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का पहले इंट्रो पार्ट क्या था और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो इंट्रो पार्ट में अब इसमें हम लोग टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे कि सेट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ सेट्स कितने होते हैं। तो एक बार सबका नाम रिकॉल करा दूँ, एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट्स को नल सेट बोलते हैं, इसको नल सेट्स कहते हैं और इसको बॉयड भी कहते हैं। बॉयड मींस क्या होता है, साइफर, साइफर मींस क्या होता है, जीरो, जीरो मींस क्या होता है, नथिंग। इन सबका मीनिंग एक ही है, एम्प्टी सेट मींस खाली, नल मींस भी होता है जीरो या साइफर, और बॉयड मींस भी होता है नथिंग। इसका मीनिंग, इन तीनों का मीनिंग एक है, तो आपको ये तीनों ही पता होने चाहिए। अच्छा, कई टाइप के होते हैं, एम्प्टी सेट हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास इक्वल सेट होता है, सीक्वेंस कैसे भी कर सकते हैं कोई मैटर नहीं करता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं हमारे पास, सबसेट क्या होता है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास एम्प्टी हो गया, इक्वल हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट भी होते हैं, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट हो गए, यूनिवर्सल हो गया, सिंगलटन हो गया, काफ़ी सबसेट, सबसेट लिख दिया, पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल हो गया, सीक्वेंस क्या चल रहा था, पावर हो गया, यूनिवर्सल हो गया, इनफाइनाइट हो गया, एक सिंगलटन भी है, सिंगलटन सेट। तो और किसी किसी बुक में प्रॉपर सबसेट है और सुपर प्रॉपर सबसेट, कई सारे लिखे एनसीईआरटी में नहीं, बट हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा प्रॉपर सबसेट। इस तरीके के 10 हैं और भी जो आते जाएंगे नए नए, मैं आपको बताता रहूँगा। बेसिक आपके बुक्स में काफ़ी कम है। तो ये इतने प्रकार के सेट्स हैं और हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और भी टॉपिक्स पे। पहले इनको एक एक करके समझते हैं। अब जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट। अब सेट बोला गया तो वो दो फॉर्म हो सकती हैं, या तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है या फिर रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म, एक ही बात है। तो एक एक करके समझते हैं ज़रा। मैं पहले इसको समझता हूँ एम्प्टी सेट वाले को। ये ज़्यादा ही मैसेज कर रहा है कोई, है इसे नेट ऑफ कर देते हैं, बहुत से लोगों के पास दे हैव लॉट ऑफ टाइम, तो क्या करें खाली बैठे। तो चलिए, अच्छा एम्प्टी सेट का अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप खुद समर्थन करेंगे हाँ सर ये ठीक है या फिर एक्स सच दैट, नेट ऑफ कर देना, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बताइए इसके अंदर क्या आंसर आएंगे। इसके अंदर कुछ आंसर नहीं, क्योंकि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे। अब आप लोग ऐसा मत सोचना कि सर 1 से बड़ा है और 2 से कम है, 1.1 1.2। तो याद रखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं। ये इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना, कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं ये। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। या इसका बड़ा एक फनी एग्जाम्पल भी है कि x सच दैट x is a number of boys, those who are studying in a Balika Inter College, अब ये Balika Inter College है तो Balika Inter College जैसे लड़कियों का ही होगा, उसमें लड़के कैसे पढ़ सकते हैं। अब कोई कपिल शर्मा का शो तो है नहीं कि जो आप हाँ कपड़े वपड़े पहन के चलेगा उस तरीके से। तो ये भी हमारे एक एम्प्टी सेट हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं बांधी। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल मिलेंगे जिसे आप पहचान लेंगे कि वो क्या एम्प्टी सेट है। अच्छा जी, अब देखिए सेकंड सेट का अगर एग्जांपल देता हूँ मैं, इक्वल सेट। देखो ये एग्जाम में आते नहीं है कि ना तो इनकी डेफिनेशन आएगी और ना इनका कोई ऐसा आएगा कि भाई इनके स्टेटमेंट लोग, बट आपको उनको नॉलेज के लिए आना चाहिए क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इक्वल सेट की हम बात करते हैं। इक्वल सेट क्या होता है, दो सेट होते कब इक्वल होंगे, जब एक सेट ए है और एक सेट बी है तो इनके जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। जैसे
2, 3, 1, 4 है और 1, 2, 3, 4 है। तो ये ए और बी आपस में इक्वल सेट है, इक्वल का साइन नहीं होता। क्यों? देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ सेट ए कितने है? इसमें 4 है और इसमें कितने हैं? इसमें भी 4 है। ये एन ए का मीन्स क्या हुआ? इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, मतलब सेट ए में कितने नंबर है? 4, इसमें कितने? 4। ये 4, 4 बराबर भी होने चाहिए, मतलब इस इधर 1 है तो इधर भी 1 है। ऑर्डर का कोई भी मैटर नहीं करता है, आप ध्यान रखना, सेट्स में ऑर्डर का कोई भी मैटर नहीं करे, 1 पहले आ जाए बाद में आ जाए, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी। तो ये हमारा क्या है? इक्वल सेट है, ठीक है। अगर मैं तो ये इक्वल सेट हो गया। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? अगर मैं ये कहूँ एक सेट ये है 1, 2, 3, 4 और दूसरा एक सेट है बी 3, 4, 5, 6, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। क्या इस सेट में जो एलिमेंट है वो इसमें है? नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गए, मतलब जिसके कार्डिनल नंबर बराबर होते हैं। एन ए बराबर एन बी है, एन ए बराबर एन बी है, लेकिन ए बराबर बी नहीं है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सबसेट है। तो इसीलिए सबसेट को एंड में समझाएंगे, पहले सिंपल सिंपल चीज़ें मैं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसा डाउट हो रहा होगा। 11th क्लास का एक वीडियो अपलोड किया था तो बड़ा एक पॉजिटिव कॉमेंट आया एक बच्चे का। तो जो भी बच्चा वो इस वीडियो को अगर देखेगा तो मैंने उससे बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से मैथ्स को और डीप में समझाएं। तो देखते हैं। अच्छा, फाइनाइट सेट, जैसे नाम से ही पता लग रहा है इसका, फाइनाइट सेट कि जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 .. मान लो 100 तक, तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि हमको पता है कि इसमें 1 से लेकर 100 तक होंगे। या फिर ये भी एक फाइनाइट सेट है, 1, 2, 3, 4, ये भी, मतलब फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट हमको पता होता है वो फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्या होता है? जिसमें फर्स्ट एलिमेंट तो पता है, लास्ट वाले कोई अता पता नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो एक क्वेश्चन आया था 11th क्लास में, RD शर्मा में, पता नहीं किसमें, इस तरीके का है कि 1, 2, 3 .. 10, ये मतलब जो भी कुछ, और ये लिख दिया उन्होंने कि बताओ ये क्या है। तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। क्यों? हमको इस पर नहीं जाना, हमको इस पर नहीं जाना कि 1 लाख की पावर 1 लाख है, जो भी कुछ है, हमको पता करना फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। तो हम फाइनाइट कर मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम है। वैसे टाइम ही टाइम है, काउंट करो बैठ के, कितने होमवर्क है आपका ये, तो मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाना कि सर इसकी पावर हम लोग कहाँ तक काउंट करेंगे, वो नहीं। फर्स्ट और लास्ट अगर पता है तो हमारे फाइनाइट सेट में आ जाते हैं। तो इतना ही हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है, ये आगे के उसमें एक्सरसाइज 1.2 में नहीं है, 1.3 में हमारा सबसेट है। तो लेकिन मैं सबसेट और आज बता के 1.2 और 1.3 ख़त्म कर दूंगा, सिंपल आएंगे 1.2 1.3। तो चलिए जल्दी से, तो अब समझ लेते हैं एक बार सबसेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सबसेट, इसको अच्छे से समझना। इसका जो साइन होता है सबसेट का, वो इस तरीके से होता है। किसी किसी बुक में, जैसे यूपी बोर्ड की बुक में सबसेट का साइन ये दिखा देते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, हम एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे तो हम ये साइन मानेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे एक सेट ए है, पहले बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक 1, 2, 3, एक सेट है बी 2, 1, 4, 5, 3। अब एक बात बताइए, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्या ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं? यस और नो? ए सेट के सारे एलिमेंट बी में, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ, ये तो लिखा है थ्योरी में, इसी चीज को मैथ्स की लैंग्वेज में लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? मतलब ए सेट के, अब देखो बी का कोई हमने क्वेश्चन अभी पूछा नहीं आपसे कि बी के हैं या फिर नहीं, हमने बात की है कि इसीलिए सब सब मीन्स क्या होता है, उससे थोड़ा सा कम सब पार्ट ना, उसका सब पार्ट। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो इसको लिखते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब बताइए क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? तो बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं, तो बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ
सेट ए, क्लियर है? तो ये इस तरह, अच्छा देखो इसको अब मैं उससे लिखूंगा, आप समझेंगे ज़रा। अब लॉजिक बताना अगर आपको ये समझ आई है। मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूँ कि ये कंडीशन गिवन है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, पहले से ही गिवन है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और बी के सारे एलिमेंट ए में, तो क्या ए बराबर बी नहीं होगा? अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी आपस में बराबर होंगे। इसको इसको समझ लो, क्योंकि इसके बेस पे मिसलेनियस और आपकी 1.6 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस थ्योरम से होंगे। तो अब ये कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है, आप एक एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। वैसे मैं इनके प्रूफ कराऊंगा अभी सबके, आप ये कोई एक एग्जांपल लोगे, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे ए में, तो वो ऑटोमेटिक वो ए बराबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं सबसेट को, सबसेट का ही हमारे पास साइन होता है, क्लियर है? चलिए और सेट्स हैं वो 1.4 और 1.5 के इंट्रो पार्ट में आपको समझाऊंगा मैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर दो सेट के साथ आपने कोई ऑपरेशन लगाया, मतलब सबसेट का ऑपरेशन लगाया, जैसे एक हमारे पास 1 2 3 मैं लेता हूँ और एक बी सेट है 4 5 6 1 2 3, तो हम ये बोलेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट हमारे पास हमारे बी में हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ, आप ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये कहा कोई एक एलिमेंट एक्स है, अगर वो बिलोंग करता है सेट ए में, पक्की बात।